नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की। पंचायती भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर राज्यपाल के नाम संयुक्त मोर्चे ने सौंपा ज्ञापन। रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायतों में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चे ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसील कार्यालय जवा पहुंचकर हल्ला बोल पोल खोल नारे के बीच अधिकारियों की अनुपस्थित में तहसील के बाबू को सौंपा। इस मौके पर सिरमौर विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार उर्मिला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जोखूलाल आदिवासी एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव तथा सिरमौर विधानसभा प्रभारी प्रदीप सिंह उर्फ पप्पू मांडा ने नेतृत्व किया। तहसील परिसर जवा में ज्ञापन सौंपने के समय उपस्थित समर्थकों को संबोधित करते हुए पप्पू मांडा ने कहा, जवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली पंचायतों में निर्माण के नाम पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अनेकों काम जांच में ऐसे मिलेंगे जो जमीन पर नहीं है। यही हाल मनरेगा का है, जो योजना गांव के श्रमिकों को गांव में ही काम देने के उद्देश्य से बनाई गई। उस मनरेगा के काम मशीनों से हो रहा है और मजदूरी के पैसा निकालने के लिए धरना सेठ हो जमींदारों तक के नाम मास्टर रोलों में भर कर पैसे निकाले जा रहे हैं। हम राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि जवा जनपद पंचायत की सभी पंचायतों की वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक के कामों का जांच एवं उच्च स्तरीय समिति बनाकर पारदर्शी जांच कराएं। अगर ईमानदारी से जांच कराई गई तो करोड़ों करोड़ की निर्माण के नाम पर लूट उजागर होगी। आज ज्ञापन देने का जो है संयुक्त मोर्चा, जो हमारे परम आदरणीय हमारे पप्पू सिंह दादा जो इसके अध्यक्ष हैं, इस संयुक्त मोर्चा के जो गठन हुआ है हम सब लोग हैं। ये जो मुद्दा है गंभीर मुद्दा है, जो मनरेगा, जो कि मनरेगा का नियम कानून ये है कि मनरेगा का 100 दिन का काम मजदूरों को दिया जाए, अगर काम नहीं मिलता है तो भी उसको पेंशन मिला जाए। लेकिन आज जो है हर पंचायत में अपने जनपद जवा के अंदर शेष आज जो 80 पंचायत के दरमियान में जो पूर्व में 85 पंचायत था, पूर्व से भी मतलब काम जो है मशीनें द्वारा कराया जा रहा है, फ्लोरी द्वारा काम कराया जा रहा है। हमारा मानना ये है कि कम से कम जो लेबरों द्वारा काम कराया जाए, मनरेगा जो है मनरेगा के तहत मजदूरों से काम लिया जाए। और जहाँ जिस पंचायत में फ्लोरी द्वारा जिसी भी द्वारा काम कराया जाता है उसके साथ कार्यवाही किया जाए, यही मेरी मांग है। जवा जनपद पंचायत के अंतर्गत जो सरासी पंचायतें आती हैं, मनरेगा में भ्रष्टाचार और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच के लिए हम सब लोग, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों को काम मिलना चाहिए, मजदूर काम नहीं किया, मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। जेसीबी के द्वारा पूरे क्षेत्र में, चाहे तालाब का काम हो चाहे खेत का काम हो, जेसीबी की मशीन द्वारा कराया जा रहा है। हम लोग उसके लिए, चूँकि यहाँ का मजदूर असहाय होकर के बाहर जा रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, और जो यहाँ के हमारे सरपंच जो सेक्रेटरी हैं तो उनके द्वारा मनरेगा के तहत हाजिरी भर करके लोगों के नाम का, बड़े लोगों के नाम का हाजिरी भर करके पैसा निकाल लिया जाता है। गरीब जानते हैं, अंगूठा लगवा करके पैसा निकालने का काम किया जाता है। इनके द्वारा कहीं काम नहीं कराए, उनको कहीं काम दिया जाता है। हम इसकी जांच के लिए और ये चाहते हैं, शासन से मांग करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ, जो हमारा यहाँ का दलित शोषित समाज, जो भी गरीब समाज का जो भी हो, जो मनरेगा में काम करना चाहता हो, उसको यहाँ पर काम मिले, वो बाहर न जाए, वो भटक रहा बाहर, सूरत बम्बई जाके काम करता है, यहाँ पे काम नहीं मिलता है। हम लोगों को इसके लिए एक मांग है कि मैंने उसको यहाँ काम मिले, मशीन द्वारा काम न किया जाए। दूसरी बात, एक हम पॉइंट इसमें नहीं जोड़े हैं, हमारे तहसील में भी जो गरीब का राशन कार्ड बन रहा है उसमें 5,000 रुपये हमारे सम्माननीय माननीय तहसीलदार साहब, जो हमारे सम्मानित तिवारी जी हैं, उनके द्वारा 5,000 रुपये ले करके, बगैर 5,000 के किसी का गरीबी रेखा के मैं कार्ड नहीं बनता है। तो हम उसमें अपने कार्ड नहीं जोड़े, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने अभी हाल में पत्रकार वार्ता किया था जिसमें हमने मनरेगा के संबंध में जो है उसके भ्रष्टाचार के संबंध में मांग की थी, लेकिन जो यहाँ के मतलब जिसके खिलाफ उनका मोर्चा उठाया उनके द्वारा धमकी मिली हमको, तो हमने ये सोचा कि हम अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो हम माननीय विधायक राजकुमार उर्मिला जी और जोखूलाल जी के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया हूँ, और मेरी मांग है कि मनरेगा में जितना भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए और मशीनों द्वारा कार्य न कराया जाए, ये मेरी मेन मांग है, और ये लड़ाई हम लोग हर समय लड़ते रहे। तहसील स्तर के भ्रष्टाचार पर आप क्या कहेंगे? पहले तो हम मनरेगा का मुद्दा उठाए हैं, इसके साथ साथ इसका भी उठाएंगे।
पहले हमें इस समय प्लाग का मुद्दा हम लोग उठाए हैं और माननीय विधायक जी के उसमें हमारा संयुक्त मोर्चा बनेगा, एक कमेटी बनेगी, कमेटी के सदस्यों को बैठा करके जो उचित होगा, उचित निर्णय जितना जो कमेटी से पास होगा उसको हम लोग जो करेंगे। धन्यवाद।